साथियों, हम आपके साथ नए नए मुद्दे को लेकर के हमेशा रूबरू होते रहते हैं। एक नए मुद्दे को लेकर के आपके सामने आए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंदर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था, परंतु बड़े अफसोस की बात है, जनपद कानपुर देहात के ब्लॉक सरवनखेड़ा के हृदयपुर से लेकर के हाना तक ये रास्ता लगभग 10 किलोमीटर है और इस रोड से लगभग 9 गांव और लगभग 9 गांवों की आबादी की बात करें तो 60,000 की आबादी इस रोड से जुड़ी हुई है, जिनको आए दिन यहां से निकलने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ यहां पर लोगों द्वारा पता चला कि कई एक्सीडेंट भी हुए हैं इन रोडों में और आए दिन आज भी रात में दिन में एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि ऐसे मोड़ हैं जगह जगह पर। तो आइए देखते हैं इस रोड की समस्या को और लोगों से बात करते हैं। समस्या यही है कि मान लो जो भी आदमी निकलते हैं, यात्री निकलते हैं गाड़ी घोड़ा से, तो समस्या ये जटिल समस्या है। इसकी समस्या ये है कि सब ऊबर खाबड़ पड़ा है और यहाँ से जो गाड़ी घोड़े निकलते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। ये जो रोड की समस्या है ये कब से है? ये 2 साल हो गया। तो 2 साल में ये रोड अभी बना नहीं है? नहीं, 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 कोई नहीं। जब से रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ इधर ही से जो है तो हर प्रकार की गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सब निकलती हैं, तो सब खतरा हो गया। इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है? यही हो रहा है कि मान लो अंधेरे में गाड़ियाँ आई, कहीं खड़ग में या मोड़ में पड़ गई तो कहा आपस में एक्सीडेंट हो जाए, या गाड़ियाँ मान लो फिसल करके गिर जाती हैं इतना ऊबर खाबड़ होने के बाद भी। तो क्या आज तक इसमें कोई इन 2 सालों में के बीच में कोई हादसे वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? तमाम गाड़ियाँ साली जो है लड़ जाती हैं, तमाम, हाँ, या फिसल के गिर जाती हैं। तो अगर इस ये रोड बन जाएगा तो आपको क्या लग रहा है कि क्या लाभ होगा? ये रोड अगर बन जाएगा तो हर पब्लिक के लिए सुविधा है, हमारे लिए ही नहीं सुविधा है, सबके लिए सुविधा है। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी मंशा तो यही है कि रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। समस्या ये है कि ये जो रोड गया है हृदयपुर से, मेरे गांव से हृदयपुर पामा स्टेशन तक, यहां से आने जाने में हम काफ़ी, हमारा ही नहीं सारे गांव की समस्या है। और दूसरी बात, जो यहां के वाहन जाते हैं ये सवारी की, उसकी भी समस्या है क्योंकि छोटी गाड़ियां हैं, सवारी भी है, गड्ढे हो गए हैं, पलटने का भी डर रहता है उसमें, तो काफ़ी समस्याएं होती। रोड ख़राब है, आने जाने में भी दिक्कत मिलती है, जहां लगते हैं 10 मिनट वहां लगता है आधा घंटा आने में। चिकित्सालय बना हुआ है जिला सरकारी अस्पताल सरवनखेड़ा, वो भी यहीं से जाती है इसी रोड से, तो उनको भी पेशेंट ले जाने आने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। अभी कुछ दिन पहले एक लोगों की डिलीवरी होनी थी तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए थे, यहीं रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। क्यों भाई, मान लो अब किसी की डिलीवरी होनी है तो समय तो कुछ लगता है कि वो चार पहिया उड़ा ही के ले जाएगा, तो गड्ढे वगैरह रोड ख़राब होने की वजह से तो ये समस्या। अगर ये समस्या आपकी हल हो जाती है रोड की, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या फ़ायदा होंगे? इससे फ़ायदा तो बहुत से लोगों का हो जाएगा। अगर ये रोड बन जाएगा तो हमारे गांव का और ये जो गांव के इधर रोड के किनारे जो खेती वगैरह है, तो इसमें कुछ डेवलपमेंट होने की आशंका है। मान लो कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति कोई अगर आता है यहाँ पे रोज़गार डालने के लिए, तो जब लग रोड अच्छा नहीं होगा तब लग उसको दिखेगा भी नहीं कि मतलब यहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ अगर लाना चाहता है, अगर या कुछ बनवा रहा है यहाँ पे, जमीन उसने ली है या कुछ डेवलपमेंट यहाँ करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो रोड से ही काफ़ी परिवर्तन पड़ता है। रोड बन जाएगा तो उसको ये दिखता है कि खेती की क्या कीमत है, या उसने ख़रीदा है तो अगर कुछ डालना चाहता है प्लांट वगैरह, तो उसके लिए बहुत आसान रहेगा। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? तो ये हम चाहते हैं कि ये अगर हमारे गांव का अगर रोड भी बन जाएगा तो बहुत ही मतलब आराम हो जाएगा और सभी को समस्या से इसको मुक्त मिल जाएगा। मेरा गांव जुड़ा हुआ है, उसी रोड से जाता है, ग्राम जूनिया भी उसी रोड से जाते हैं, हृदयपुर के जो आते हैं तो मान लो जैसे आना हुआ तो उसी रोड से आएंगे, अदर गांव जैसे जुड़े हुए हैं तो वो भी इसी रोड से रनिया के लिए जाते हैं। तो एक हमारा ही गांव नहीं, और भी गांव के जो लोग हैं उनको भी समस्या है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि रोड कितनी जल्दी बनेगा। ये वीडियो बनाने के बाद समुदाय में मीटिंग स्क्रीनिंग का आयोजन किया, इसके साथ साथ एप्लीकेशन लिखी और अधिकारी को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन ना लगने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी समस्या हल हो जाए। कैमरामैन गरिमा भारती के साथ मानसिका सिंह, सामुदायिक संवाददाता, राज्य उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से इंडिया अनहर्ड के लिए।